अब आइए सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां राजेंद्र राठौड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर्जा माफ करने का काम किया, यही नहीं अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जो भी छोटे काश्तकार है, छोटे किसान है, जिनके 10 हॉर्स पावर तक की जो मोटर इस्तेमाल करते हैं कृषि की सिंचाई के लिए, उनके लिए भी 13 लाख किसानों के 10,000 रुपए तक का बिजली का बिल माफ करके एक शानदार काम किया। राजस्थान के अंदर जो किसान है उसको 10 लाख तक रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर देकर उसको सुरक्षा चक्र देने का काम किया। राजस्थान के अंदर 26,125 करोड़ रुपए बिजली के अंदर क्रॉस सब्सिडी देने का काम करने वाली वसुंधरा जी की सरकार, बिजली का एक दाम नहीं बढ़ाया वो सरकार, वसुंधरा जी की सरकार। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान की बदहाली हुई, राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में स्कूल बंद कर दिए और शिक्षा के स्तर को गिरा दिया। अभी हाल ही में एनसीईआरटी का जो सर्वे हुआ, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, एनसीईआरटी एक इस प्रकार की संस्था है जो एक तरह से स्वायत्तशासी के रूप में काम करती है, उसके सर्वे के अनुसार राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से देश में दूसरी पायदान पर है। शायद उन्हें बताया नहीं गया, या शायद राहुल गांधी के जी के सामने जो कागज था, पत्र था, वो चेंज हो गया। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के बारे में सवाल खड़ा किया, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, ये जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी के श्री सुशील शर्मा ने आदर्श आचार संहिता की बात को कहकर जिस प्रकार 26,000 उन विद्यार्थियों के जिनकी भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होगी उनको रोकने के लिए जो काम किया, वो राजस्थान के लोगों के सामने है। राजस्थान के अंदर शिक्षा की दृष्टि से जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नतीजा था उसमें 22% का सुधार हुआ है। राजस्थान में शिक्षा में 19 लाख लोगों का नामांकन बढ़ा है और राजस्थान के अंदर 78,000 अध्यापकों की भर्ती का काम पूरा हुआ और 87,000 अभी पाइपलाइन के अंदर है। उन्होंने तीसरा सवाल खड़ा किया कि राजस्थान के अंदर अत्याचार, विशेष तौर पर महिला अत्याचार बढ़े हैं। शायद वो भूल गए कि 2014 की तुलना के अंदर राजस्थान के अंदर 2017-18 के अंदर आईपीसी में दर्ज कुल मामलों में 19.2 की फीसदी की कमी आई और महिला अत्याचार में 20.5% की कमी आई है। यानी बिना किसी होमवर्क के हिंदुस्तान के कांग्रेस के स्वयंभू बड़े नेता ने जिस प्रकार का बयान दिया, वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि कपोल कल्पित बातों के आधार पर, बिना किसी तैयारी के आधार पर राहुल गांधी और सचिन पायलट दोनों राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा रहता राहुल गांधी आकर घोषणा करते कि राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का, वो घोषणा वो कर नहीं पाए, कर नहीं सकते। और टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, जिस कांग्रेस में राहुल गांधी मंचों पर चढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को नजदीक बढ़ाकर हाथ में हाथ मिलाने की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की सरकार ने राजस्थान के किसानों का, राजस्थान के शैक्षिक वर्ग का और राजस्थान में गुड गवर्नेंस देने का जो काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि जहां भी वसुंधरा जी की गौरव यात्रा गई लोग उमड़ घुमड़ करके आए और राहुल गांधी रोड शो करके पूरे राजस्थान के टिकटार्थियों को एक जगह पर बुलाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके साथ राजस्थान का जन है, जबकि राजस्थान का जन उनके साथ नहीं है, ये बात इस बात से सिद्ध हो गई। यही नहीं, राजस्थान के अंदर पहली बार राजस्थान के गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के उन लोगों का जिन्होंने एससी कॉरपोरेशन से 2 लाख रुपए तक का लोन लिया, वो लोन भी माफ करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि उनकी जितनी भी बातें थी वो बातें कपोल कल्पित बातें हैं। नरेगा के अंदर उन्होंने ये कहा कि नरेगा के अंदर राजस्थान में मोदी ने संसद में मजाक उड़ाया। मैं निवेदन करना था, नरेगा के अंदर राजस्थान की सरकार को कन्वर्जेंस के मामले में और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अच्छे काम होने के मामले में 3 बार पुरस्कार मिला है। हमने सर्वाधिक मैंडेट्स क्रिएट किए हैं, इस साल भी हमने 5,662 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
ये सारी बातें सिद्ध कर रही हैं कि राजस्थान के अंदर जो राहुल गांधी के मुंह से कहलवाया गया उसमें एक भी तथ्य ऐसा नहीं है। उन्होंने जिन 25,000 स्कूलों के बंद करने की बात की, बिल्कुल वो बातें असत्य है। हाँ, जहां कभी स्कूल पर स्कूल का नाम वो खोलकर चले गए थे कांग्रेस पार्टी, और स्कूल में ना अध्यापक लगाए ना स्कूल में विद्यार्थी थे, उन स्कूलों को एकीकरण करके, और हमने जो उसी गांव के अंदर जो स्कूल था उस गांव में उसका एकीकरण जरूर किया है, एक भी स्कूल नीमा के प्रतिकूल राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने बंद नहीं किए। इससे मुझे इतना ही निवेदन करना था। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और एक उन्होंने मुफ्त दवा योजना की बात कही, मुफ्त दवा योजना जिस समय अशोक गहलोत के शासनकाल में जो प्रारंभ हुई थी उस समय उसका बजट 310 करोड़ रुपए था, और आज मैं कह सकता हूं 456 करोड़ से ज्यादा का मुफ्त दवा योजना, उसके साथ साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 25 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस के समय में राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 12 लाख बच्चे पढ़ते थे 2013 में, आज वो संख्या बढ़कर 26 लाख हो गई है। आज राजस्थान के हर ग्राम पंचायत पर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, राजस्थान के अंदर उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना हुई है। इन सारी बातों से सिद्ध हो रहा है कि राजस्थान ने शिक्षा की दृष्टि से एक आयाम स्थापित किया है। राजस्थान के अंदर 8,874 ग्राम पंचायतों में आठवीं तक की भी उत्कृष्ट विद्यालय खुले हुए हैं, और लगभग 13 लाख बच्चियों को साइकिल देने का काम भी राजस्थान की सरकार ने किया है। राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नतीजा में सुधार होना, हमारा नामांकन बढ़ना, और जो एनसीईआरटी का जो सर्वे है उसके अंदर पूरे देश में दूसरा स्थान होना, ये शायद उनको जानकारी का अभाव था इसलिए वो ये बातें कह के गए। देखिए, कांग्रेस की राजनीति के अंदर क्योंकि एक परिवार के पास केंद्रित राजनीति है, और जिस तर्ज पर राजस्थान में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की राजनीति चल रही है उसी तरह राजस्थान की राजनीति भी कुछ ही लोगों तक सिमट गई है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हमने हमारे उन सारे दायित्ववान कार्यकर्ताओं से जिनकी संख्या 14,000 से ज्यादा थी उनको लगातार 5 दिन सुनकर उसके बाद उम्मीदवारों के बारे में हमने अपनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जबकि कांग्रेस पार्टी सारे उम्मीदवार दिल्ली के अंदर चक्कर लगा रहे हैं एक ही परिवार का, और कब कौन सा पैरासूट आ जाए, जिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने में शामिल कर रही है उनको प्रलोभन देकर शामिल कर रही है, इसलिए उनके बयान में कोई दम नहीं। और कांग्रेस पार्टी कब किसको धक्का दे दे, कब किसको सम्मिलित कर ले, उसको कोई कह नहीं सकता क्योंकि उनके कोई सिद्धांत नहीं है। देखिए, जिस प्रकार सचिन पायलट जी ने सचिन के सामने पायलट का नाम लगा रखा है जबकि उन्होंने आज तक कोई हवाई जहाज नहीं उड़ाया, जब इसी प्रकार के लोग आएंगे तब पैरासूटर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जरूर होगा, पर जिसको पैरासूटर कहते हैं वो मूल कांग्रेस का की बुनियादी उन पैरासूटरों से पर रखी हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बारे में जो बातें कह रही है अपनी बातों को कहकर और मुकरना उनके लिए उनकी आदत में शुमार हो गया है, इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं बचा। देखिए, कांग्रेस में टिकट वितरण का काम ना तो किसी कमेटी के पास है, उन्होंने जो भी कमेटियां बना रखी है वो कागजों में है। सिर्फ एक परिवार में एक व्यक्ति राहुल जी की इच्छा पर उनकी नजर कब किस पर इनायत बरपा दे और कब किस पर खुश हो जाए उसी पर टिकट मिलता है। हाँ, तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूं ना। देखिए, उन्होंने जो सवाल किए उस सवाल का जवाब दिया जा सकता है जो सवाल हो,
जो अपने आप में सवाल ही नहीं हो, वो खुद ही अगर स्पष्ट कर दें कि सवाल के माध्यम से पूछना क्या चाहते हैं। इसलिए उनके ऐसे सवाल जिनका कोई अर्थ कहीं निकलता नहीं, उनका जवाब देना, उनको तो सिर्फ 40 दिन पे यात्रा, गौरव यात्रा में उनकी एक लाइन छप जाए, इसके लिए छपास के रोग से ग्रसित होकर जो भी किसी ने इसी प्रकार आज भी राहुल गांधी जी के सामने जो कागज गया, जिस कागज पर लगातार आंखें गड़ा के बोल रहे थे। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे बीजेपी पर, उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे थे यहां राजेंद्र राठौर।